हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मटन मसाला, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ 1 किलो मटन, इसे धुल के अच्छे से मैं रख ली हूँ साफ करके। तो तड़का लगाने के लिए कुछ ये मैं गरम मसाले ली हूँ, 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, और मैं कुछ मसाले भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ 1.5 चम्मच लूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, रेगुलर जो हम खाते हैं, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ली हूँ मैं जीरा पाउडर, 2 चम्मच भर के मैं लूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और 1 चम्मच लूंगी मैं गरम मसाला पाउडर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं और अच्छे से इसका पेस्ट बना के रख दूंगी, और हिसाब से अपने लिए नमक। तो इसका पेस्ट बना के मैं एक साइड में रखूंगी। इस तरीके से अगर आप बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, मसाला अच्छे से फूल जाता है। तो मटन को और खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ कुछ मसाले ली हूँ मैं। तो सौंफ ली हूँ मैं, जावित्री, जायफल, इलायची और काली मिर्च, तो इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो कुकर रख दी हूँ मैं, कुकर में 1 कप मैं तेल ऐड कर दी हूँ, और सारे गरम मसाले, और ये 3 मीडियम साइज के प्याज। तो प्याज को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भून लूँगी, और ये कुकर में बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है मटन मसाला। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें इसी तरीके से। तो प्याज भून चुका है, इसमें मैं मटन ऐड कर दूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी। और जितने मसाले मैं बना के रखी हूँ पेस्ट, वो सब मसाले मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये मटन मसाला रेसिपी है, एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और ये गरम मसाले जो खुशबूदार मैंने बनाए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। अब इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, मैं इसमें पानी डाल दूंगी 1 से 2 गिलास, और इसका ढक्कन लगा के पकाऊंगी मटन को गलने तक। तो बहुत जल्दबाजी हो तो इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देखिए 4 से 5 सीटी आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और मटन अच्छे से गल चुका है, तो ये बन के तैयार हो चुका है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे और अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो हमारी ये रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, एक बार ज़रूर से बनाएं। तो मैं इसे डिश आउट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।